रायसेन जिले के बेगमगंज वन परिक्षेत्र के रेंजर अरविंद अहिरवार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। रेंजर ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बेहतर तरीके से करते हुए पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया, साथ ही शासन का पैसा भी ये बचा रहे हैं। अरविंद अहिरवार दूध की थैली में मिट्टी और खाद डालकर पौधे लगा देते हैं। अब इससे इन थैलियों का भी उपयोग सही ढंग से हो रहा है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता। वहीं वन नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए बेगमगंज के चाय की दुकानों से दूध की खाले पैकेट को एकत्रित करवाते हैं। अब इसका उपयोग अनेकों प्रजाति की पौधे तैयार करने में होता है। इससे खाली पॉलिथिन से फैलने वाला जो प्रदूषण है वो समाप्त होता है, साथ ही मवेशियों की जान की सुरक्षा भी इससे हो रही है। रेंजर ने वन विभाग द्वारा बॉल पेंटिंग के जरिए वनों को सुरक्षित रखने, जमीन को पन्नी मुक्त रखने की अपील की। हमारी टीम जो है रोज शहर की चाय की दुकानों पर जाके वो पॉलिथिन को कलेक्ट करते हैं, फिर उन पॉलिथिनों को हम यहाँ लाके साफ करते हैं, फिर उनको आराम से काटते हैं, सुखा के उनमें हम खाद और मिट्टी भर के उन वीज डालते हैं, फिर वो वीज हम उसको नर्सरी पौधा बना रहे हैं।